हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू द यन एकेडमी, क्रैक ऑल 8 CBSE एग्जाम विद अस। वी हैव टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट एंड वी यू मे फील ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस ओवर देयर। सो लेट्स क्रैक CBSE 8। दिस इज मोहित पांडे। अबाउट मी, माय नेम इज मोहित पांडे एंड आई हैव डन एम टेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड बी टेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। PhD परसुइंग इन CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गेट क्वालिफाइड इन CS सब्जेक्ट, UGC नेट क्वालिफाइड इन CS सब्जेक्ट एंड आई हैव मोर देन 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम स्कूल लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल। एंड बच्चे, आई एम द ऑथर ऑफ वेरियस रिसर्च आर्टिकल्स एंड बुक चैप्टर्स। सो नाउ नेक्स्ट इज वॉट, सो क्रैक CBSE क्लास 8 विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, यू नीड टू गेट सब्सक्राइब इट फर्स्ट। एंड द बेनिफिट्स ऑफ द सब्सक्रिप्शंस आर व्हाट, यू आर हैव चांस टू ज्वाइन डेली लाइव क्लासेस। इन डेली लाइव क्लासेस यू कैन डिस्कस विद योर एजुकेटर, आस्क योर डाउट एंड क्लियर योर डाउट्स, एंड ऑल्सो ज्वाइंस लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। फॉर दिस यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड बाई द परफॉर्मेंस एनालाइजिंग यू कैन प्लान फॉर द योर स्टडीज। एंड द अनअकैडमी कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड विद योर एग्जाम सिलेबस लाइक CBSE टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट एंड एक्सेस इट अनलिमिटेड। मीन्स यू कैन ज्वाइन लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम एनी वेयर एंड फ्रॉम एनी टाइम, एट वेनी एनी टाइम एंड फ्रॉम बाई एनी डिवाइस। राइट, डिवाइस मतलब कोई भी कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप, कोई भी स्मार्टफोन। राइट, आप किसी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स टू गुड। एंड दी देर आर ऑल्सो फ्री लाइव क्लासेस एंड दी यू मस्ट प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स ऑलवेज। एंड इन अन अकेडमी देर आर ऑल एजुकेटर्स आर एट द टॉप, दे आर हैविंग मोर देन 20 ईयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस, दे आर गेट क्वालिफाइड, हैविंग मैनी अवार्ड्स एंड दे आर नेट क्वालिफाइड and having multiple degrees, right? And the online experienced faculties over there, so they are at the top. And the comprehensive syllabus, there are mathematics, science, English, Hindi, social science, and most important, which is computer science. Computers भी बच्चे आपके कोर्स में और उससे कहीं पढ़ के आपके सामने रहेगा if you join this सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी। बच्चे, हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल मल्टीपल मतलब एक सब्जेक्ट में कई कई एजुकेटर, आप जिससे चाहे जितना चाहे पढ़ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इफ यू सब्सक्राइब इट एंड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप यू नीड टू डाउनलोड फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड इंस्टॉल इन योर डिवाइस। फॉर टॉक टू अस और गेटिंग अपडेट्स अबाउट द अपकमिंग वीडियोस, यू नीड टू व्हाट, यू नीड टू जस्ट राइट दिस लिंक, टाइप दिस लिंक इन द यूआरएल बॉक्स इन द टेलीग्राम ऐप आफ्टर डाउनलोडिंग ऑफ कोर्स इफ यू डोंट हैव, एंड टाइप द लिंक इन द यूआरएल एंड टैप ऑन द ज्वाइन फॉर टॉक टू अस। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, दिस इज अबाउट द प्राइसिंग, मतलब फीस कितनी पड़ेगी अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, आपको क्या फीस देनी पड़ेगी। राइट बच्चे, ये क्लास 6 से लेकर 12 तक का सब्सक्रिप्शन है, आपके पास 4 चॉइसेस हैं। 1 मंथ को बिल्कुल मत लेना, मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ बच्चे, क्यों, ये बड़ा कॉस्टली है। 2500 रुपीज पर मंथ, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। यू गो फॉर द 12 मंथ एटलीस्ट और गो फॉर द 24 मंथ्स। आप देखिए 12 मंथ में 1250 रुपीज, मतलब कि 1 मंथ की कंपेरिजन में 50% ऑफ, 58% ऑफ 1042 रुपीज 24 मंथ के लिए। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि 12 मंथ वाला सस्ता प्लान है 15,000 में। अगर 24 मंथ लेंगे तो और 5,000 बच जाने अपने, तो भाई हम 1 मंथ का क्यों लें, और क्यों लें हम इसको, हम कोई 1 मंथ थोड़ी ना पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न एटलीस्ट 1 ईयर फॉर अ क्लास। आप किसी भी क्लास में हो, 6 to 12, एटलीस्ट 1 ईयर तो पढ़ने वाले हैं ना बच्चे। 1 मंथ में क्या लर्निंग करेंगे, आई डोंट थिंक सो। सो यू गो फॉर द 12 मंथ्स और 24 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एंड यूज दिस कोड। दिस इज द कोड LIVMP, LIVEMP कोड। बाय यूजिंग दिस कोड यू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दैट्स मीन दिस 15,000 बिकम वॉट 13,500, 15,000 का 10%, 1,500, 25,000 का 10% बिकम 2,500, दिस टू गुड। 1 मंथ वाला भी अगर आपने ले लिया, जो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा लेने को, अगर इनके साथ देते हैं तो 2,250 रुपीज मिलेंगे। 250 रुपीज तो बड़े कम हुए एज कम्पेयर टू द 2,500 रुपीज। तो आप इसको मत लीजिए, ये आपके काम की चीज़ है नहीं। आप कहोगे कि भाई क्यों है, क्यों आपने रखा हुआ, आप कह रहे हो कि काम का नहीं है। अगर आपने कभी 12 मंथ का लिया, फर्दर इफ यू वॉन्ट टू
At least for a 1 month, then you go. This is just like a top up dear. So don't go with this. Okay. So you must use this live MP code for getting 10% discount on the subscription. Now come to the other point, today's topic. ये बच्चे सीरीज चल रही है अपनी लर्न सी प्लस प्लस कोडिंग सी प्लस प्लस की लर्न सी लर्न कोडिंग इन सी प्लस प्लस ये आपकी चल रही है सीरीज लर्न सी कोडिंग इन सी प्लस प्लस इन सी प्लस प्लस राइट बच्चे आज का टॉपिक है वो स्लाइड यहाँ पे नहीं लिखी हुई है जिसमें टॉपिक मैं लिखता हूँ टॉपिक है बच्चे कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं कैसे उनको हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में और उनकी क्या विशेषताएं हैं क्या इंपॉर्टेंस हैं ऑल आर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे सेशन राइट टुडे इज 31st of December राइट ओके टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर 2020 मे बी अगले साल से फ्रॉम द न्यू ईयर 21 हमारे ईयर्स अच्छे जाएं बिकॉज ये साल तो बच्चे हमारा कोरोना ने खराब किया है डोंट वेरी फोकस ऑन दी कोडिंग नाउ सी प्लस प्लस कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट इसके बारे में जानेंगे कंडीशंस क्या हैं और इफ स्टेटमेंट क्या है आइए जानते हैं जल्दी से बिना टाइम खराब करे पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं सी प्लस प्लस सपोर्ट्स द यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस फ्रॉम मैथमेटिक्स क्या कह रहे हैं बात को ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि सी प्लस प्लस क्या सपोर्ट करता है यूजुअल लॉजिकल कंडीशंस जो हैं जो लॉजिक कंडीशन है आपकी कहाँ से मैथमेटिक्स से वो सब सी प्लस प्लस सपोर्ट करने वाला है बड़ी आसान होगी हमारी बात तो जो हम मैथ्स पढ़ते हैं वही मैथ्स हमारी सी प्लस प्लस में काम आ जाए इससे अच्छी क्या बात है लाइक ए लेस देन बी वी ऑलवेज राइट वे हमने बहुत बार यूज किया होगा मैथ्स में वैसे लिखा हुआ ए लेस देन बी ये लेस देन का लॉजिक हो गया राइट लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू हालांकि मैथ्स में हम या फिजिक्स में ऐसा लिख देते हैं साइंस में इसको इक्वल टू ऐसे लिखते हैं बट कंप्यूटर में हम ऐसा लिख नहीं सकते इसलिए ऐसा लिखते हैं अगर लिख पा रहे होते ऐसा आई एम वेरी श्योर कि हम ऐसा ही लिखते हैं क्यों अननेसेसरी दूसरा सिंबल लाते सिमिलरली ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हम ए इक्वल टू बी लिखते हैं ना तो ये माना जाता है ए और बी दोनों बराबर हैं यहाँ पे बच्चे इक्वल टू लगाने के लिए डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है राइट नॉट इक्वल टू ये वाला आप देखिए नॉट इक्वल टू हम मैथ्स में ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे ऐसा लगा नहीं सकते इसलिए एस्केलेशन ये शिफ्ट वन दबाएंगे साइन आ जाएगा और इक्वल टू इसका मतलब होता है बच्चे नॉट इक्वल टू मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी ए इज नॉट इक्वल टू बी तो दीस आर दी लॉजिक्स कंडीशनल्स लॉजिक्स विच वी आर ऑलरेडी सीन इन दी मैथमेटिक्स नाउ इन्हीं लॉजिक्स का यूज करके बच्चे हम प्रोग्राम बना सकते हैं अपने इफ एल्स के अच्छे स्टेटमेंट्स लिख दे सकते हैं एंड ऑन द बेसिस बेसिस ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट्स वी कैन श्योरली क्रिएट अ वेरी नाइस प्रोग्राम इवन जो मैंने कल वाली लास्ट क्लास में आपको जो फ्लो चार्ट्स बताए थे बच्चे जो फ्लो चार्ट्स मैंने आपको बताए थे उन जिन जिन फ्लो चार्ट्स में ऐसा डायमंड बॉक्स आया था मतलब कि जहां जहां पे डिसीजन बॉक्स आया था जहां पे हमें डिसीजन लेने की जरूरत आती थी कि यस पे हम इधर जाएंगे और नो पे इधर जाएंगे उन सब जगह पे बच्चे हमने कंडीशंस लिखी हुई थी और इफ इल्स का यूज करा जाएगा हमने वो तो फ्लो चार्ट था नॉर्मल था उसकी जगह हम इफ एल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करें कंडीशनल स्टेटमेंट तो उसमें भी लिखे हुए थे इज ए इज ग्रेटर देन बी ये क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट ही लॉजिकल कंडीशंस है राइट उसको प्रोग्रामिंग में कैसे हम ढालेंगे यही आज हमको देखना है आइए देखते हैं हमारे पास क्या है यू कैन यूज दिस कंडीशंस ये सारी कंडीशंस कौन सी कंडीशंस ए लेस देन बी ए इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये सारी कंडीशंस टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस फॉर डिफरेंट डिसीजंस बच्चे हर एक लॉजिक के जो रिजल्ट्स आएंगे जो रिटर्न्स आएंगे ना हर उस पे हम कुछ एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं कैसे कि इफ आई एम गोइंग सपोज द सिनारियो इज मैं मार्केट जा रहा हूँ मार्केट में हूँ या जा रहा हूँ कोई सामान मैंने खरीदा है शॉपिंग करी है इफ मैं ये सोचूंगा इफ अगर मेरे पास 10 रुपीज रिमेनिंग रहते हैं आफ्टर गेटिंग ऑल
आइटम्स, तो मैं 10 रुपीज का गोलगप्पे खाऊंगा, राइट, या कोई और चीज, आपकी फेवरेट चीज खाऊंगा. इफ 10 रुपीज इज रिमेनिंग इन माई पॉकेट, राइट, इफ 10 रुपीज इज रिमेनिंग इन माई पॉकेट, अगर नहीं बचे तो क्या करूंगा. आई एम नॉट सेइंग दिस, इस टाइम पे सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूं, इफ आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट आफ्टर परचेजिंग ऑल आइटम, देन आई विल टेक गोलगप्पास ऑफ दैट 10 रुपीज. ठीक है, मतलब जहां पे ऐसी बात आती है, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, राइट, इफ इट इज पॉसिबल देन आई विल डू दिस, इफ इट इज हैपेंस देन आई विल डू दिस, राइट, इस तरीके की बात है. मतलब कि अगर कोई कंडीशन आपकी ट्रुथ हो जाती है, सही हो जाती है, जो आप स्टेटमेंट कंडीशनल दे रहे हैं वो अगर सही हो जाता है, तो उस पे फिर हम कोई एक्शन परफॉर्म करें तो बात है, या फिर जो कंडीशन हमने दी है वो कंडीशन फेल हो जाती है तो हम कोई ऑप्शन एक्शन परफॉर्म करें. ऐसी चीजों को आज हमें सीखना है, कैसे हम करने वाले हैं आइए देखते हैं. कुछ लिखा हुआ है इसको हम पढ़ लेते हैं. सी प्लस प्लस हैज द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक यूज इफ, ये बच्चे कीवर्ड है आपके सी प्लस प्लस का, सी का भी है, दोनों में यूज होता है. यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड. बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अभी मैं इसको आगे आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, अभी जस्ट आप सुन लीजिए मैं जो बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये बात आ जाए जिसने कभी प्रोग्रामिंग नहीं देखी है, ताकि जब अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोबारा इसको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है. यूज इफ ये एक कंडीशन है जो हम इंग्लिश भाषा में यूज करते हैं ना, इफ, वैसे ही उसी का कीवर्ड बच्चे सी प्लस प्लस ने भी इफ ही बना हुआ है, कुछ अलग से नहीं बना हुआ. टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब बच्चे सी प्लस प्लस में जब ब्लॉक ऑफ कोड बोले मतलब एक ब्रैकेट से लेके दूसरे ब्रैकेट तक की बात हो रही है, इसके बीच में जो भी कोड लिखेंगे वो सारा का सारा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ये सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, या ये कह दें ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस या एक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे इफ, ठीक है, अगर यहाँ पे इसके ऊपर हमने इफ लगाया होगा. और इफ के अंदर बच्चे लिखते हैं हम कोई कंडीशन, जब हम बोलते हैं ना इफ मतलब अगर ऐसा हो, जो ऐसा है मतलब जो कंडीशन है, दैट शुड बी रिटन ओवर देयर एंड इन दिस प्लेस वी आर गोइंग टू बी राइट सम एक्शंस और द कोड ऑफ द ब्लॉक. इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू देन इट विल बी हैपन, देन इट विल बी हैपन, राइट. अभी हम और आगे देखेंगे, अभी आप यही समझिए. सेकेंडली वी ऑल्सो यूज एल्स टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट. एल्स का मतलब होता है अगर, अगर इफ दिस हैपेंस, दिस कंडीशन हैपेंस मीन्स ये ट्रुथ हो जाती है, सच हो जाती है ये वाली बात, तो ऐसा हो. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ मीन्स दिस कंडीशन नॉट हैपेंस, तब कैसा होगा, वो भी हम स्पेसिफाई कर दे सकते हैं बाय यूजिंग एल्स कीवर्ड. और बच्चे इसमें भी हम कोड ऑफ ब्लॉक बना सकते हैं, चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, वो आगे की बात है देखेंगे कैसे, बट चाहे तो पूरा ब्लॉक चाहे एक लाइन लिखते हैं, राइट, ऐसा भी लिख सकते हैं. और बच्चे हम चाहे तो इस एल्स के अंदर के बाद दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं जिसको हम एल्स इफ बोला जाता है. टू स्पेसिफाई ए न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ दी फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, राइट, पहली कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हम कहेंगे ये वाला काम हो, और इस वाले काम के अंदर भी दूसरी कंडीशन लगी हुई है, मतलब भाई कंडीशन के अंदर कंडीशन, आगे आने वाले टाइम में हम समझेंगे. या फिर हम यूज स्विच कर लें, स्विच का, स्विच मैं आज डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, इसको अलग ही सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट स्विच भी कंडीशनल में ही आता है. स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक्स कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, आज हम स्विच की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, स्विच की बात स्विच के चैप्टर में करेंगे, अभी हम सिर्फ इफ एल्स की बात कर रहे हैं. आइए बात करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट की, और उसका कोड देखते हैं हम ऑनलाइन कंपाइलर पे. द इफ स्टेटमेंट क्या करेगा बच्चे, हम कहते हैं इफ इफ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी. ठीक है, अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दी हुई है, गिवन है, मीन्स ए की वैल्यू इनपुट हो गई, राइट, बी की वैल्यू इनपुट हो गई, अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ज्यादा है, दैट्स मीन क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये आपकी क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है कि या नहीं है, ये आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज को, क्या ए बी से ज्यादा है, यस और नो में आंसर मिलने वाला है ट्रू या फिर
फॉल्स में आंसर मिलने वाला है, या फिर आप ये कह लें वन और जीरो में आंसर मिलने वाला है। अगर एक ही वैल्यू बी से, सपोज एक ही वैल्यू आपकी थ्री है, बी की वैल्यू फाइव है, तो थ्री इज ग्रेटर देन फाइव, नो फॉल्स, इसके अंदर नहीं जाएगा कोड। अगर बी की वैल्यू आपकी हो जाती है टू और ए की वैल्यू थ्री, क्या थ्री टू से बड़ा है? यस, आंसर आया यस। अगर ऐसा हो, मतलब तीन थ्री इज ग्रेटर देन टू, अगर ऐसा सच है तो आप अंदर जाइए, यस थ्री इज ग्रेटर देन टू, कंप्यूटर रिटर्न करेगा वन, यस। तो जब ये वन हो जाएगा, मीन्स दिस कंडीशन इज बी ट्रू, देन यू कंप्यूटर इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक। अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो इस पूरे ब्लॉक को स्किप कर देगी, क्या कर देगी, स्किप कर देगी, छोड़ देगी, इग्नोर कर देगी, उसके अंदर जाना ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन हमारी फेल हो गई। इसके सिंटेक्स को देखते हैं, फिर ऑनलाइन जाके इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ, इफ के बाद बच्चे हम ब्रैकेट जरूर लगाते हैं, बिल्कुल मत भूलिएगा, इसी ब्रैकेट के अंदर सारी कंडीशन लिखनी है, जो भी ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड, और जो भी लगाना है सारा इस ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद बच्चे ये आपको कोड ब्लॉक बनाना है, दिस इज योर कर्ली ब्रेसेस, ये अलग तरीके का ब्रैकेट है, ये आपका अलग ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे ध्यान दीजिएगा। इन ब्रैकेट के अंदर बच्चे आप ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, मीन्स ये बात सच निकल जाए, तो ये वाली बातें एग्जीक्यूट कर दी जाए। बड़ी सिंपल सी बात है ये, यहाँ इन ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन लिखोगे अगर ट्रुथ तो एग्जीक्यूट, नहीं तो जाने दो, राम राम, ठीक है। इफ इट इज नॉट ट्रू, इफ इट इज फॉल्स, छोड़ दीजिए इस कोड को, प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा, आगे जो भी सेंटेंस लिखे होंगे, स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। सपोज एट दिस प्लेस सपोज आई राइट हियर इफ, ओ सॉरी, एक इंटीजर मान लेते हैं इंट, पहले मैं ऐसे ही दिखाता हूं आपको, आप देखिए, इफ थ्री इज ग्रेटर देन फाइव ये लिखा, फिर मैं यहां पे ब्रैकेट ये वाला, ये आपका क्या बना रहे हैं, देखिए बच्चे क्या बन गया, इफ इफ ये लिखा हुआ है, इसके बीच में हमने लिखा कंडीशन थ्री ग्रेटर देन फाइव, उसके बाद में बच्चे ये देखिए ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये इस इफ का कोड ब्लॉक हो गया। इस इफ इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब इफ की कंडीशन ट्रूथ होने वाली है, अदरवाइज वो छूट जाएगा, राइट। ये ब्रैकेट ही तो कोड ब्लॉक बनाते हैं, देखिए मेन का भी कोड ब्लॉक है, ये मैंने सेलेक्ट किया मेन का ब्रैकेट, नीचे ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, राइट। अब मैं इसके अंदर सपोज यही लिख देता हूँ, ये वाली बात ले आते हैं, हम उठा के ये ले आए। अब बच्चे अगर थ्री फाइव से बड़ा होता है तो ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा, देखिए कोई आउटपुट नहीं आया, वाई, बिकॉज यहां जब कंप्यूटर कंपाइलर ने रीड किया इफ थ्री इज ग्रेटर देन फाइव बोला गया, तो क्या निकला, थ्री इज नॉट ग्रेटर देन फाइव, भाई दिस इज कैसी बातें कर रहे हैं आप, थ्री फाइव से बड़ा नहीं होता है, जब वो थ्री फाइव से बड़ा नहीं है तो इस कोड के अंदर वो जाएगा ही नहीं, यहाँ पे जो लाइन लिखी होगी वो प्रिंट होगी, राइट। एक हम लाइन बाहर भी लिख लेते हैं फॉर दी शोइंग द एग्जाम्पल, ऐसे लगेगा कि फिर कोड कुछ रन ही नहीं हुआ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, कुछ हाई लिख लेते हैं, सपोज आई राइट हाई, राइट। देखिएगा थ्री ग्रेटर देन फाइव फेल हो गया, इसके अंदर ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर बच्चे कुछ नहीं गया, ब्लॉक के बाहर जो भी इंस्ट्रक्शन था हाई प्रिंट करने को बोला था हाई प्रिंट कर दिया। आइए हम इस कंडीशन को ट्रुथ बना देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इस फाइव को बच्चे मैं कर देता हूं, अगर ओके मिट गया वो, नो इशू, थ्री इज ग्रेटर देन टू लिख देते हैं, थ्री इज ग्रेटर देन, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है बट आपकी रीडेबिलिटी के लिए मैं दे रहा हूँ, थ्री ग्रेटर देन टू लिख लेते हैं, क्या थ्री टू से बड़ा होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए हेलो वर्ल्ड हाई इसमें आ रहा है, इसलिए एक लाइन में, क्योंकि हमने कोई भी लाइन चेंज के लिए ऑप्शन नहीं दिया था, अभी हम लाइन चेंज करा देंगे, तो बच्चे देखिए हेलो वर्ल्ड आया इसलिए क्योंकि पहली कंडीशन ट्रूथ हुई, ठीक। अब ये बात समझ में हमारे आ गई कि कंडीशन में, ब्रैकेट के अंदर कोई कंडीशन अगर हम लिख देते हैं तो ये चीज
ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे बच्चे मैंने नंबर्स लिखे हुए, हार्ड नंबर्स। आप चाहें कि एक्चुअली जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे वहाँ हार्ड नंबर्स यूजली बहुत कम ही लिखे जाते हैं, हमेशा वेरिएबल के नाम लिखते हैं। सपोज देयर इज अ वेरिएबल इंट एक्स इक्वस टू टू, राइट, इंट वाई इक्वस टू 16, राइट। अब हम यहाँ पे वेरिएबल के नाम भी लिख सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ वाई इज ग्रेटर देन एक्स, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो भी ये काम करेगा क्योंकि वाई की वैल्यू 16 लेगा और एक्स की वैल्यू 2 लेगा और रन कर देगा, हाय, राइट। अगर हम चाहें इसको बच्चे लेस देन बनाना तो लेस देन बना दीजिए, वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तब क्या होगा, हाय, ये अंदर नहीं गया, कंडीशन फेल हो गई। ठीक है, मैं इस वाले को क्या करता हूँ 16 बना देता हूं, अगर तब देखिए दोनों एक्स और वाई इक्वल हैं। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं कैसे ये काम कर रहे हैं, ये इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया, अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, राइट। सो इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं बच्चे। अभी आप देखिए जब हम वो यूज करेंगे, जैसे आपको मैंने एक फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल बताया था जब जिसमें ये कहना था हमको कि जो पर्सन है कोई दैट इज एलिजिबल फॉर दी वोटिंग और नॉट, ठीक है। अब मैं अगर ये कह लूं, आप मान लीजिए कि ये हो गई अपनी, हम ये कह देते हैं कि ये हो गया वेरिएबल एज का, राइट, ये वेरिएबल हो गया एज का। हम लिख देते हैं यहां से, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, राइट, यहां के इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां लिख लेते हैं एंटर योर एज, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर मैसेज आपके स्क्रीन पे, एंटर योर एज, राइट। एंटर योर एज होने के बाद फिर हम लिखने वाले हैं, राइट, अब एंटर योर एज होने के बाद क्या करेंगे, सी इन करने वाले हैं। सी इन क्या करेगा, कहाँ जाएगा सी इन, वैल्यू कहाँ जाने वाली है, एज में जाने वाली है बच्चे, और सी इन का जो सिंबल होता है दैट इज डिफरेंट देन दिस, ये होते हैं, राइट। अब एज में वैल्यू चली जाएगी जो आप टाइप करेंगे, और यहां पे लिखिए, अब लिखिए आप इफ इफ एज, इफ एज जो वेरिएबल जो भी वैल्यू पुट करी जाएगी, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर 18 इज द एलिजिबिलिटी फॉर दी वोटिंग, तो क्या प्रिंट कर दे, तो क्या प्रिंट कर देंगे मिस्टर, ये लिख देंगे यू आर एलिजिबल फॉर दी वोटिंग, ये हुई ना बात, ये प्रिंट हो जाना चाहिए, राइट। और ये लास्ट में हम थैंक यू लिख देते हैं यहां पे, ये ऐसे ही लिख देते हैं थैंक्स, ठीक है। नाउ रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। एंटर योर एज, ये मैसेज आ गया। अब देखिए आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये तब तक बेटा ब्लिंक करेगा जब तक आप इसमें वैल्यू नहीं डाल देते। सपोज मैंने दे दिया 45 और बेटा मैंने एंटर बटन दबाया और क्या लिख के आया, ओ वाओ यू आर एलिजिबल फॉर दी वोटिंग, थैंक्स थैंक्स, को हम नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं स्लैश एन, राइट, फिर से रन करते हैं। एंटर योर एज, मैं लिखता हूं 12, ओनली थैंक्स लिख के आया, ना ये बताया कि यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। मेरी बात समझिएगा बच्चे, यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे हमने ये बताया कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रूथ तो ये करे, इफ ये कंडीशन अगर ट्रूथ हो तो ये करे, लेकिन बच्चे हमने अभी ये तक नहीं बताया है या अभी हमने ये नहीं सीखा है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करे। अगर हम ऐसा बताते तो शायद प्रॉब्ली हम यहाँ पे ये प्रिंट करा पाते कि यू आर नॉट एलिजिबल, अभी हमने ऐसा नहीं करा है ना, ठीक है। आप में से कोई ये सोच रहा होगा सर यहां पे लिख दें, तो बच्चे अगर आपने यहां पे लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, यू आर नॉट एलिजिबल अगर आपने लिख दिया तो बच्चे ये वाला प्रोग्राम हर हाल में रन होगा, चाहे ये कंडीशन ट्रूथ हो चाहे फॉल्स, ये तो हमेशा ही होगा आपका रन, यू आर नॉट एलिजिबल। मैं करके बता देता हूं आपको जो भी है, ठीक है। सपोज मैंने लिखा रन किया, यहाँ पे मैंने एज लिख दी सपोज 12, ठीक है, तो लिख के आया यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर हैप्पी, जो ये सोच रहे थे वो हैप्पी, लेकिन अभी देखिएगा एंटर योर एज, मैंने लिखा 45, लिख के क्या आया, पहली लाइन देखिए यू आर दी एलिजिबल फॉर दी वोटिंग,
लेकिन दूसरी लाइन में लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब क्या है बच्चे, ये वाली लाइन तो दोनों कंडीशन में रन हो रही है। और क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये लाइन बच्चे इफ के अंदर नहीं लिखी हुई है, इफ के ब्लॉक में मतलब ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखी है। कहाँ लिखी है ये लाइन, तो बच्चे मेन के ब्लॉक में लिखी है, मेन में तो जो लिखा हुआ है वो रन करेगा। दैट्स इट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। सो देयर इज द एग्जाम्पल रिटन ओवर देयर जो मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। वी टेस्ट टू वैल्यूज टू फाइंड आउट इफ 20 इज ग्रेटर देन 18। हम टेस्ट कर सकते हैं 20 18 से बड़ा है, हार्ड वैल्यूज का यूज करके हम प्रिंट करा सकते हैं वॉट एवर एनी मैसेज। इफ द कंडीशन इज ट्रू प्रिंट सम टेक्स्ट। एंड द सिमिलरली वी कैन ऑल्सो टेस्ट वेरिएबल्स, वी कैन ऑल्सो टेस्ट वेरिएबल्स। दैट्स मीन जैसा मैंने आपको बताया एक्स की वैल्यू ले ली, वाई की वैल्यू ले ली, एक्स और वाई को कंपेयर करा लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी वट एवर यू वॉन्ट आप कर सकते हैं। आपके हाथ में है, आपके पास कंप्यूटर है, यू कैन राइट। सो एक्स इज ग्रेटर देन वाई आपने प्रिंट कराया। अब बच्चे हम बात कर रहे हैं उस वाली बात की जो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने आपको ये तो सिखाया कि इफ दिस इज कंडीशन देन यू विल डू दिस, देन यू विल डू दिस। बट इफ इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन यू विल डू दिस, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन वॉट यू कैन डू। ये मैंने नहीं बताया, ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई ना सर, कि आपने ये बताया कि आप ट्रू हो जाए तो आप ये करेंगे लेकिन फॉल्स होगा ये तो बताया नहीं। ठीक है, इन दैट केस इन सी प्लस प्लस देयर इज अ फैसिलिटी अलॉन्ग विद द इफ, हम कंडीशन फेल होने पे भी कोई कोडिंग ब्लॉक बना सकते हैं राइट। सो यूज द एल्स, यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक। हम क्या कीवर्ड यूज करेंगे बच्चे, एल्स कीवर्ड यूज करने वाले हैं। क्या स्टेटमेंट स्पेसिफाई करेंगे, एक ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफाई करेंगे टू बी एग्जीक्यूटेड कब, जब इफ द कंडीशन इज फॉल्स। जब इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसका सिंटेक्स देखेंगे बच्चे, इफ एट जैसा हमने पहले लिखा था वैसा ही लिखा, उसके बीच में जो कंडीशंस हैं वो जो हमने लिखते हैं वैसे ही लिखे, ये अपने ब्लॉक बनाया बिल्कुल वैसा ही लिखा, इस ब्रैकेट के बाद फिर ये नई चीज लगाइए एल्स एंड दिस ब्रैकेट। ठीक है, मेरी बात समझे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बेटा यही ब्लॉक चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये नहीं चलेगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा। मतलब कि बच्चे या तो ये ब्लॉक चलेगा, या तो ये ब्लॉक चलेगा, या ये ब्लॉक चलेगा, दो में से एक ब्लॉक तो चलना ही चलना है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला मतलब वन, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये चलेगा। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा कैसा जो कंडीशन में लिखा, अगर ये बात सच निकली तो ये हो जाए, ये चल जाए, अगर ये बात फॉल्स निकली तो बच्चे ये चल जाए। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैं अभी आपको इस एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। इंटीजर टाइम इक्वल टू 20 माना गया है। इफ टाइम इज लेस देन 18, क्या टाइम की वैल्यू 20 है, क्या 20 18 से लेस होता है, नो, तो ये नहीं ब्लॉक चलेगा, मीन्स इट नॉट गोइंग टू बी प्रिंट गुड डे राइट। एल्स में जाएगा, एल्स में जो भी लिखा होगा, लिखा हुआ है गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग आउटपुट आ जाएगा। एक बात और मैं बच्चे आपको बता दूं, जो ये ब्लॉक्स के अंदर मैं सी आउट लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सी आउट लिखने के लिए हम ये ब्लॉक बनाते हैं, आप पूरे का पूरा कोड लिख सकते हैं बड़े से बड़ा राइट। आइए देखते हैं, अब मैं आपको वो वाली बात बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो आप यू आर एलिजिबल फॉर दी वोटिंग करा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो, मतलब 18 से छोटी अगर एज होगी तो हम लिख सकते हैं एल्स। बेटा एल्स की एक बड़ी खासियत है ये, अगर इफ लगा है ना तभी एल्स लगाते हैं, अदरवाइज एल्स की जरूरत नहीं होती। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना, तो जब अगर ही नहीं है तो फिर ऐसा कैसे होगा। इफ इफ तो पहले लगेगा, एल्स बाद में आएगा, अगर इफ नहीं है तो एल्स की कोई जरूरत नहीं है राइट। सो एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, यहां पे एक ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, मैं लाइन चेंज करके लगाता हूं जिससे रीडेबिलिटी बने रहे। ठीक है, अब आप समझिए, इफ देन दिस विल हैपन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस विल हैपन, इफ दिस कंडीशन, कंडीशन यही रह रही है बच्चे, इसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि ये एग्जीक्यूट होगा कि ये एग्जीक्यूट। अगर ये वन तो ये चलेगा, अगर ये जीरो तो ये वाली कंडीशन चलेगी। और बच्चे इसको मैं यहां से कॉपी करके लिख देता हूं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोटिंग, यू आर नॉट, यू आर नॉट, नॉट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको लिखे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोटिंग। इसको वापस थैंक यू कर देते हैं, ये थैंक यू ही अच्छा लग रहा है। अब आप देखिएगा ये अपना छोटा सा सॉफ्टवेयर तैयार है जो आपकी एलिजिबिलिटी को तय करने वाला है। सो एंटर योर एज 26, यू आर एलिजिबल फॉर द वोटिंग, ग्रेट। मैं दोबारा रन करता हूं, व्हाट इज योर एज 12,
चला नहीं। व्हाट इज द रॉन्ग विद दिस मैन? कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है इसमें। आई डोंट नो व्हाट्स द व्हाई नॉट इज रनिंग। दिस इज ऑनलाइन। बच्चे कोड इज सिंपली करेक्ट। देयर इज नो इशू इन द कोड। देयर इज नो इशू इन द कोड बट दी आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस। एक बार देख लेते हैं अच्छे से। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? इफ आई राइट 45 देन व्हाट हैपेंड? यू आर एलिजिबल। थैंक्स। बट व्हाई नॉट रनिंग इन दिस केस? हाँ अभी आ गया। विदाउट डूइंग एनीथिंग कुछ सर्वर प्रॉब्लम रहा होगा। ठीक है। द कोड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले भी सही था, अभी भी सही है। बस वो शायद सर्वर की प्रॉब्लम सी। आप जब अपना कंपाइलर यूज करेंगे उसमें ऐसी समस्या नहीं आती। एंटर योर एज 12। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोटिंग। थैंक्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एज पुट करी 12। 12 बेटा, 12 इज ग्रेटर देन 18। नो दिस इज फॉल्स। देन इट नॉट गोइंग बी टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक जिसमें ये लिखा हुआ है। एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स टू गुड। फाइन। ओके। सो दिस इज अबाउट एल्स, इफ एंड एल्स। नाउ एक और कंडीशन हो सकती है बच्चे जिसमें हम लिख सकते हैं इफ एल्स इफ। मतलब कि अगर पहली कंडीशन फेल हो जाए तो दूसरी कंडीशन को चेक कर लीजिएगा। ऐसी सुविधा भी हमारे पास होती है। इफ फर्स्ट कंडीशन इज गोइंग टू बी फेल देन यू कैन चेक अनदर कंडीशन। लाइक क्या हुआ है बच्चे, यहां देखिए। इफ कंडीशन सब कुछ सेम, एल्स तक सब सेम है। बस एल्स से पहले हमने इफ कंडीशन एक और लगा दी। यहां पे एक कंडीशन एक और लगा दी हमने। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दी। और जब ये कंडीशन दोबारा इफ लगा दी मींस हमने सिर्फ ये किया है एल्स के बाद इफ एल्स और लगा दिया। ठीक है। फिर से देखिएगा। अगर आपने इफ लिखा है ये कंडीशन, ये ब्रैकेट लगाए, फिर अगर आपने लिखा है, फिर आप लिखते हैं एल्स। ठीक है। फिर एल्स के बाद आप ब्रैकेट लगाते हैं। एल्स के बाद ब्रैकेट नहीं लगा के आपने एल्स के बाद दूसरा इफ लगा दिया। आप इसको मत देखिएगा, एक मिनट देखिएगा। अभी जो मैंने इफ एल्स लिखा उसको मत देखिएगा, आप इससे हटके इधर से देखिएगा। मैंने दूसरा इफ लिख दिया, स्मॉल ई आई आई होता है, आप ध्यान रखिएगा। राइट। दूसरा इफ लिखा, कंडीशन मैंने दूसरी लिखी विच इज टू। ठीक। अब इसका ब्रैकेट बनाया और इसका एल्स लिखा। चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं, ये अपने ऊपर है। ये एल्स इस इफ का एल्स हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें। ठीक है। इस इफ का एल्स जरूर लिखोगे क्योंकि उसके आगे तुमने इफ लिखना, वरना दोनों अलग अलग इफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है बच्चे कि सिर्फ एक ही इफ लगा सकते हैं, हम मल्टीपल इफ लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप में से किसी ने ये बात ध्यान दी हो तो जरा सा बताइए मुझे कि मैंने इस इफ के आगे यहां पे देखिए टर्मिनेटर नहीं लगाया। इस एल्स के आगे मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया बच्चे? क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक एक ही लाइन है। अगर मैं टर्मिनेटर यहां पे लगा देता, ये टर्मिनेटर मैंने लगा दिया, तो क्या होगा पता है? ये कंडीशन चेक होगी और इस कंडीशन के अंदर में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। मैं इस टर्मिनेटर को थोड़ा दूर रख देता हूं। अगर यहां कोई स्टेटमेंट होता तो वो एग्जीक्यूट होता, लेकिन कोई स्टेटमेंट ही नहीं है क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है बच्चे ये इफ के बाहर हो गया है टर्मिनेटर लगते ही, क्योंकि यहां फुल स्टॉप लगा दिया ना आपने। ठीक है। और दूसरी बात, जब इफ नहीं है तो एल्स तो बिल्कुल ही नहीं चलने वाला। राइट। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप रन करके देख लीजिए। इसने पूछा, मैंने लिखा 8, एज करी इंटर मैंने 8, और आंसर क्या आया? यू आर एलिजिबल फॉर दी वोटिंग। क्यों? क्योंकि ये बच्चा कंडीशन में नहीं रहा, ये कहाँ है? कंडीशन के बाहर मेन में आ गया। ठीक है। ये ब्रैकेट यूं ही लगे हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि इफ के बाद आपने फुल स्टॉप कर दिया। इस फुल स्टॉप को आप हटा दीजिए और वापस आपका प्रोग्राम वापस अच्छे से रन होने लग जाएगा। देखिए, एंटर योर एज 2 ने एंटर करी। अब अलग बात है, आपने एल्स हटा दिया था तो थैंक्स रह गया। राइट। ये आपको वापस वही कोड लिख देता हूं मैं। यहां पे मैं लिख देता हूं 1 साल के।
एक साल के हैं, वोट डालना चाहते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंडीशन, इफ कंडीशंस, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। ट्राई करिए, समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे नोटिफाई करेंगे कि यू आपको समझ में नहीं आया, राइट। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, यही वाला एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, चलो आपको। आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जाम्पल। देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर टाइम इक्वल टू 20, ये हमने लाइन ले ली। अब क्या कहते हैं, इफ टाइम इज लेस देन 10 तो क्या प्रिंट किया जाएगा, गुड मॉर्निंग। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, 10 से पहले हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और अगर ये फेल हो जाए तो एल्स में जाएगा, दूसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर टाइम 20 से कम है तो क्या कहते हैं, गुड डे। ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं है, मीन्स दूसरी कंडीशन भी फेल हो गई, तो कहेंगे गुड इवनिंग, राइट। ये मेरी बात समझ में आई, पहला इफ कंडीशन चेक, अगर कंडीशन फेल तो कहां जाएगा, एल्स में, एल्स में जाते ही दूसरी कंडीशन पे चेक किया जाएगा। मैं यहाँ C1 लिखा हूं कंडीशन 1 के लिए, यहाँ C2 लिखा गया है कंडीशन 2 के लिए। अगर कंडीशन 2 ट्रुथ तो इसमें जाए, और नहीं तो फिर एल्स में जाए। ये है इसकी हायरार्की, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो इसमें जाए, अदरवाइज इसमें जाए, फिर वहां बी इज ग्रेटर देन। आपको फ्लो चार्ट याद होगा, उसी को मैं आपको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा इसको नेक्स्ट क्लास में, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा था आज के टाइम, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स। नाउ इफ एल्स तो आपके पास बच्चे है, दैट्स ओके फाइन। इफ एल्स के अलावा मेरे पास एक और तरीका है जो मैं इफ एल्स की फैसिलिटी को ले सकता हूं, दैट इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। दैट इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। व्हाट हैपन इन द टर्नरी ऑपरेटर बच्चे, देयर इज ऑल्सो अ शॉर्ट हैंड इफ एल्स। इफ एल्स का शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट वे है हाउ टू राइट द इफ एल्स इन द शॉर्ट वे, विच इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब वो होता है जिसमें तीन ऑपरेटर लग जाए, राइट। टर्नरी ऑपरेटर्स बिकॉज, जिसमें थ्री ऑपरेंट्स लगे, राइट, एज द टर्नरी बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री ऑपरेंट्स, राइट। थ्री ऑपरेंट्स इसमें होंगे, जैसे आपका प्लस होता है ना बच्चे, ये बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों, इसमें दो ऑपरेंट या तो एक्स एंड वाई, मल्टीप्लीकेशन ये भी बाइनरी ऑपरेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी दो ही चाहिए, तीसरी चीज थोड़ी चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, डिवीजन भी ऐसे ही होता है, राइट। एक नॉट वाला होता है, ये आपको एक ही ऑपरेंट होगा तो भी काम चलेगा, जीरो होगा तो उसका वन बना देगा, वन होगा तो इसको बच्चे जीरो बना देगा। मेरी बात समझ में आई, तो ये आपका सिंगल ऑपरेटर होता है, राइट, यूनरी ऑपरेटर इसको बोलते हैं। टर्नरी में बच्चे थ्री ऑपरेटर ऑपरेंट चाहिए होंगे। इट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस मल्टीपल लाइन ऑफ द कोड। इफ एल्स में बड़ी हायरार्की लिखनी पड़ती है ना, इफ एल्स एंड एन, बड़ी एक हायरार्की बनती है। यू जस्ट मल्टीप्लाई मल्टीपल लाइन ऑफ द कोड विद अ सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में लिख दिया जाएगा। इट इज ऑफ्टन यूज टू रिप्लेस सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने के लिए, हट रिप्लेस करने के लिए एक तरीका है, हो सकता है लोग यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आइए देखते हैं इसको कैसे यूज किया जा सकता है। बच्चे देखिए, इसका जो सिंटेक्स है वो ये लिखा है, यहाँ पे आप वेरिएबल लिख लीजिए, वेरिएबल इसलिए जिसमें इसका रिजल्ट स्टोर कराना हो, ठीक है। जो भी आएगा वो हमें इसमें रिजल्ट स्टोर कराना होगा। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी हुई है, जैसे इफ में कंडीशन लिखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल इक्वल टू बी, जो भी कंडीशन है वो यहाँ लिखिए। अगर इफ दिस, यहां इफ लगा नहीं है लेकिन होगा काम भाई, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो क्या होगा, यहां पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा वो फॉलो हो जाएगा, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। अगर सपोज मैंने ये लिखा हुआ है कि एक कोई वेरिएबल वी नाम का है, कंडीशन लिखा मैंने ए ग्रेटर देन बी, राइट, ब्रैकेट बंद किया, क्वेश्चन मार्क लगाया और कहा ए इज ग्रेटर देन बी, और मैंने लिख दिया कि प्रिंट, प्रिंट गलत लगा दिया, हाँ, सी आउट ए इज ग्रेटर देन बी, ये आप लिखोगे, ठीक है। कॉलन लगाओगे, दूसरी ये इस वाली की बात लिख रहा हूं, कॉलन लगाएंगे और लिखेंगे नो, या ये लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है बच्चे, बी ए से बड़ा होगा, और सेमी कॉलन से बंद कर देंगे। इसको हम इफ एल्स से भी
इंप्लीमेंट कर सकते थे, बट हमने टर्नरी ऑपरेटर से किया। अब ए की वैल्यू अगर सपोज 4 है और ए बी की वैल्यू 2 है, 4 इज ग्रेटर देन 2, यस यस, तो यहाँ पे ये वाली पहले पहला कॉलन, कॉलन से पहले एक यहाँ स्टेटमेंट है, एक यहाँ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बच्चे ट्रू स्टेटमेंट बोला जाता है, सेकेंड वाला आपका फॉल्स स्टेटमेंट होता है। सच्चाई की जीत होती है, इसलिए बच्चे ट्रू वाला पहले रहता है, राइट, और फॉल्स वाला बाद में होता है। दैट्स फाइन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल। इंट टाइम इज इक्वल टू 20 स्ट्रिंग रिजल्ट, ठीक है। स्ट्रिंग एक हमने डेटा टाइप लिया हुआ है, आप जानते हैं स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। इसमें क्या स्टोर करा रहे हैं, टाइम अगर 18 से कम है, क्या टाइम मैंने 20 लिया, 20 का 18 से कम होता है, नहीं होता है। जब टाइम आपका 20 से कम नहीं होता है तो क्या प्रिंट होना वाला है, गुड इवनिंग, मतलब 18 से कम नहीं, मतलब 18 से ऊपर, 18 का मतलब यहाँ 6 PM से है, 6 बजे से ऊपर बजा हुआ है, 8 बजा हुआ है तो गुड इवनिंग बोलो। अगर टाइम होता है यहाँ पे मान लिया 15, क्या 15 18 से छोटा है, यस, तो क्या प्रिंट हो जाएगा बच्चे, गुड डे, राइट। सो अब ये आप देखिएगा, ये प्रिंट नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग किसमें स्टोर हो गई, रिजल्ट में, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। सी आउट नीचे कराया गया, सी आउट रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होंगे, रिजल्ट में जो भी स्ट्रिंग स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाने वाली है। आप इसको क्या करने वाले हैं, आप इसको टेस्ट करने वाले हैं, आप इसको खुद टेस्ट करेंगे अभी, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड इधर, अगर आपसे नहीं होगा देन यू विल बी आस्क मी टुमारो, आई विल डेफिनेटली टाइप दिस कोड फॉर यू, अदरवाइज ये बड़ा सिंपल है, आपसे हो ही जाएगा, आई नो दिस। तब तक के लिए बच्चे आप क्या करेंगे, आज तो बच्चे आप कहाँ जाने वाले हैं, न्यू ईयर आने वाला है, टुडे इज 31 दिसंबर, बच्चे आज कोई कोई ऐसी ऐसी आदत जो हमें लगता है कि कुछ कुछ हमें बुरा है, ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट ईयर से हम नहीं करेंगे। कहने में बड़ा आसान लगता है, करने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर करेंगे तो होगा नहीं, अगर करेंगे तो हो भी सकता है, और अगर हो गया तो डेफिनेटली यू विल रॉक, राइट। सो ट्राई करिए, देयर इज द टुमारोज इज द फर्स्ट डे ऑफ योर न्यू ईयर 2021, दैट्स गुड, मे बी दिस इज एंड मे बी नॉट, मस्ट बी दिस ईयर विल बी गुड फॉर ऑल अस, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, फैमिली के लिए, आपकी फैमिली के लिए, कंट्री के लिए, इवन इवन पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि पिछला साल हमने बहुत बुरा देखा है बच्चों, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो, आगे ऐसी समस्या ना आए, हम अपने अपने भगवान से, गॉड से प्रे करेंगे, राइट। सो तब तक के लिए बच्चे, आज तो आप एंजॉय करने वाले हैं, न्यू ईयर मनाने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करने वाले हैं, लेकिन कीप लर्निंग एंड लेट्स कीप क्रैकिंग CBSE 8 विद द अन अकेडमी, एंड कीप कमेंटिंग ऑन द यूट्यूब्स एंड ज्वाइन द अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन योर अपकमिंग वीडियोज, एंड ऑल्सो हिट दी बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, एंड यूज दिस कोड LIVMP, LIVEMP फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन वेयर इफ यू सब्सक्राइब द अनअकैडमी ऐप, यू नीड टू एक्चुअली सब्सक्राइब फॉर दैट, बहुत जरूरी और बहुत अच्छी चीज है बच्चों, फटाफट सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, राइट। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू एंड गुड नाइट, हैव ए नाइस इवनिंग, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर, राइट, एंड सीरियसली फ्रॉम हार्ट आई वॉन्ट टू से हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।